मन मोरा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोर तू इस मन को धीरे धीरे मोर तू इस मन को मन लोभी मन कपटी मन है चो कहते आए यहाँ पल पल में और। मन लोभी मन कपटी मन है चो कहते आए यहाँ पल पल में और। कुछ जान ले कुछ मान ले होना है विचलित नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोर तू इस मन को धीरे धीरे मोर तू इस मन को जप तपते रथ सब होते बेकार, जब तक मन में रहते बड़े विकार। जप तपते रथ सब होते बेकार, जब तक मन में रहते बड़े विकार। बेमान क्यों नादान क्यों गफलत ऐसा कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोर तू इस मन को धीरे धीरे मोर तू इस मन को जोरदार तालियां बजा दो भाई रिद्धिमा के लिए। तो चलो, बहुत प्यारी बेटी है, और तुझे फिर सारे शास्त्र पढ़ने है ना। चलो, किसने, पिताजी ने तैयार किया इसको, माता पिता संस्कार देते हैं, और ऐसे बच्चे करीब 1000 बच्चे ऐसे तैयार कर दिए हमने, जो अभी पतंजलि गुरुकुलम में पढ़ रहे हैं। और ये तो छोटे बच्चे हैं, इनकी संख्या अभी करीब हो गई है 400-500 के आसपास, और 400-500 हमने सन्यासी बनने के लिए तैयार कर दिए, वो वैदिक गुरुकुलम है, ये उससे भी बड़ा संकल्प है। तो चलिए, बहुत बहुत आशीर्वाद। इसके बड़े भाई को भी तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों भाई बहन तैयार हो जाओ, ठीक है। चलो, आशीर्वाद। ओम ओम नमस्ते बेटा। तो इसको योग दर्शन शास्त्र के नाम पर ये बात आई। सारा कुछ होता है ब्रेन की प्रोग्रामिंग से। हम छोटे बच्चों को ही ऐसे प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं उनकी ब्रेन की, कि जैसे हाफिज सईद और दूसरा कौन सा हो, मसूद अजहर, उनके खानदान में जो भी बेटे बेटियां दामाद सब जो भी है, उनका पूरा खानदान वो सारा का सारा आतंकवादी है, तो हमें पूरे पतंजलि के खानदान को ही राष्ट्रवादी बना देना। हमारा तो यही खानदान है, हमारे बेटे बेटियां, कुछ हमारी श्रद्धामयी माँ और पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, आप ही लोग, आप ही हमारा परिवार है, और आपके जो बच्चे हैं ये हमारे पोते पोतियों के बराबर हो गए। अब 3 पीढ़ियां तो मैंने ठीक कर दी हैं, और जाते जाते कम से कम 10 पीढ़ियों को संस्कारित करके जाऊंगा। तो ये आपका और हमारा जो संबंध है ना, ये अब युगों युगों तक रहने वाला है, ये परंपरा बहुत लंबी जाएगी, क्योंकि हमारे बहुत से गुरुओं ने परंपरा तो दी, लेकिन उसमें संगठन और संस्था, उसका स्थायित्व, उसको अक्षुण्ण रखना, उसमें कुछ ऐसे विचार तत्व होते हैं, वो संस्थागत
रूप उनका रहता है तो सदियों सदियों तक युगों युगों तक परंपराएं चलती हैं, युगों युगों तक। और कुलवंश तो बीच में धारा टूट भी जाती है। कुलवंश में क्या हुआ, राजा का बेटा नहीं हुआ, गोद लेना पड़ा बेटा या बेटी, फिर आपस में लड़ाई हो गई और टूट गया वहीं पर चक्र। जिसकी अपनी भौतिक संतान नहीं होती है, जिसका रक्त संबंध नहीं होता है, जिसका आत्म संबंध होता है, वो युगों युगों तक किसी भी परंपरा को यशस्वी बना सकता है। ये इसके पीछे का एक गहरा सत्य है। ये रक्त परंपरा नहीं है, ये रक्त संबंध नहीं है, ये आत्म संबंध की परंपरा है, आत्म संबंध की। और इसको हमने संस्थागत रूप दिया है, इसको एक संगठन का स्वरूप दिया है, इसलिए युगों युगों तक यशस्वी होने वाली है। तो आपको अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दीक्षा संस्कार देने हैं। मैं आपको हर 3 महीने में अपना रिपोर्ट कार्ड दूंगा कि वैदिक गुरुकुलम में क्या हो रहा है, पतंजलि गुरुकुलम में क्या हो रहा है, कितनी कितनी भाषाएं सीख ली हैं, कितने कितने शास्त्र सीख लिए, कितना कितना उन्होंने आधुनिक ज्ञान विज्ञान ये सब हासिल कर लिया है। तो मैं वैदिक गुरुकुलम, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, इसका आपको क्वार्टरली इसकी रिपोर्ट कार्ड देने वाला हूँ। तो आपको पता लगेगा यहाँ क्या क्या हो रहा है और उसके प्रति आपका ज़्यादा ध्यान जाएगा। और आपसे संगठन के लेने वाला हूँ रिपोर्ट कार्ड, कितना, क्वार्टरली। हाँ, ये इस बार की बैठक का ही निर्णय है, क्वार्टरली मूल्यांकन होगा। और इस परंपरा को इतना यशस्वी बनाना है, मैंने बार बार कहा है कि जो हम बहुत बड़ा यश गौरव देखना चाहते अपने वेद परंपरा अपनी ऋषि परंपरा का, कितने बार आपको हम गीत सुनाते हैं ना, आज जरूरत भारत माँ को ऐसे वीर जवानों की, परंपरा जो निभा सके फिर हंस हंस कर। ये जागरण गीत तो गाते ही रहते हैं। चलो अभी छोटी सी बेटी का तो गीत सुना तुमने, अब गुरु गीत सुन लो, चलो गाओ। ये कुछ भजन सब याद कर लिया करो, सबको मिलकर के गाना। आज जरूरत भारत माँ को ऐसे वीर जवानों की, परंपरा जो निभा सके फिर हंस हंस कर बलिदानों की। आज जरूरत भारत माँ को ऐसे वीर जवानों की, परंपरा जो निभा सके फिर हंस हंस कर बलिदानों की, परंपरा जो निभा सके फिर हंस हंस कर बलिदानों की। नवयुग की बेला आई है, उमड़ रही तरुणाई है, अंगड़ाई लेती है धरती, लहराती तरुणाई है, गीत प्रभाती के गा कर माँ, गीत प्रभाती के गा कर माँ, तुमको आज जगाती है, अग्रदूत बनना है युग को ऐसा पाठ पढ़ाती है, मीठे सपने छोड़ फामलो, मीठे सपने छोड़ थाम लो, डोर नए अभियानों की, परंपरा जो निभा सके फिर हंस हंस कर बलिदानों, मीठे सपने छोड़ थाम लो, डोर नए अभियानों की। यही तो नव नव अभियान जारी रखना है। फिर भूमि पर जन्म लिया तुम, पहचानो फिर अपनों को, पूर्ण करो भारत माँ के सपनों को। ऋषि भूमि पर जन्म लिया है, वेद भूमि पर जन्म लिया है, अपने इस जन्म भूमि को नहीं ले जाना, अपने पूर्वजों के खून को दूध को नहीं ले जाना।
वीर भूमि पर जन्म लिया है, पहचानो फिर अपने को। वेद भूमि पर जन्म लिया है, पहचानो फिर अपनों को। पूर्ण करो तुम आगे चल कर भारत माँ के सपनों को। शंकर जाने स्वर्ग गौतम की आत्मा तुम्हें बुलाती है, सीता अनुसैया दुर्गा की परंपरा बुलाती है। ये संकल्प पूर्ति करनी है उन सब के अरमानों की, परंपरा जो निभा सके फिर हस हस कर बलिदानों की। परंपरा जो निभा सके फिर हस हस कर बलिदानों की। बलिदानी मिट्टी ने तुमको भाकर ये जो बलिदानी मिट्टी है, अपने पूर्वजों की परंपरा, उनका शौर्य स्वाभिमान, वो हमें पुकार रहा है और क्या कह रहा है उसी को भजन में गा रहे हैं। बलिदानी मिट्टी ने तुमको भर कर आंख पुकारा है, बलिदानी मिट्टी ने तुमको भर कर आंख पुकारा है। और हिमालय की चोटी से ऋषियों ने ललकारा है, और हिमालय की चोटी से ऋषियों ने ललकारा है। तुमने साहस हो कुछ भी तो मोह छोड़ आगे आओ, मातृभूमि की गरिमा लेकर भूमंडल पर छा जाओ। अरे तुम हो उनके अंश की जिन्होंने गति मोड़ी तूफानों की, परंपरा जो निभा सके फिर हस हस कर बलिदानों की। आज जरूरत भारत माँ को ऐसे वीर जवानों की, परंपरा जो निभा सके फिर हस हस कर बलिदानों की। परंपरा जो निभा सके फिर हस हस कर बलिदानों की, परंपरा जो निभा सके हस हस कर बलिदानों की। बोले भारत माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्राम चंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की, हनुमान जी महाराज की, हर हर महादेव। तो तुम अपने इन पूर्वजों को याद करके, एक शब्द में बार बार कहता हूं ना, हमारा जीवन कैसा हो अपने, ये हमेशा याद रहे। और मैं सुबह उठते ही भोर में, अब हम तो लोग यहाँ सब, हमारे छोटे बच्चे, बड़े ब्रह्मचारी आचार्य सन्यासी सब पाठ करते, उम्रात रग्निम्रात रिंद्रम हवा महे प्रातर मित्रा वरुणा प्रातर अश्विना प्रातर भगम भौषणम ब्रह्मण स्पतिम प्रात ममुद्रुद्रम हुवेम। ऐसे प्रातः जागरण से लेकर के सायंकाल सोने तक, ओम यज्जाग्रत दोरम दैत दैवम तद सुप्तस्य तथै वैति दोरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। पवित्र संकल्प से, दिव्य संकल्प से हमेशा अनुप्राणित रहते हैं। आप भी भोर में उठो तो इस संकल्प के साथ, मैं व्यक्ति नहीं हूं, मैं ऋषि परंपरा का प्रतिनिधि हूं, मैं भगवान का प्रतिनिधि हूं, मैं भारत माता का प्रतिनिधि हूं, मैं अपने धर्म का प्रतिनिधि हूं, मैं सत्य का प्रतिनिधि हूं, मैं योग का प्रतिनिधि हूं, मैं अपने गुरुदेव का प्रतिनिधि हूं। और जब तक मैं इस धरती पर जिंदा हूं, मैं अपने योग धर्म को, अपने वेद धर्म को, अपने राष्ट्र धर्म को, सेवा धर्म को आँच नहीं आने दूंगा, ऐसा पवित्र संकल्प अपने हृदय में हमेशा सदो किया। हो सकता है आपको शास्त्र कम ज़्यादा स्मरण हो, ये कम ज़्यादा हो सकता है, ज्ञान का स्तर। आपके भीतर बल भी कम ज़्यादा हो सकता है, कोई अति बलशाली हो सकते हैं कि अपने दोनों हाथों से ऐसे 100-100 किलो वजन उठा दें, 500-500 किलो, और कुछ विश्व में प्रतियोगिताएं होती हैं तो
5,000 किलो भी वजन उठाते लोग उसके लिए वर्षों प्रैक्टिस करते हैं और अपने शरीर का बहुत अधिक बल बढ़ाते हैं, ऐसे आप कारनामे देखते रहते हो, उनका शरीर खुद का भी वजन 2.5-2.5-5 क्विंटल कर लेते हैं। बुद्धि बल सबका एक जैसा ना हो, सबका शरीर बल एक जैसा ना हो चलेगा, लेकिन सबकी निष्ठा एक जैसी होनी चाहिए, सबके भीतर श्रद्धा की पराकाष्ठा होनी चाहिए और अपने कर्तव्य के प्रति 100% उत्तरदायित्व होना चाहिए कि मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं किया तो ये मेरे गुरु के साथ मेरा धोखा होगा, विश्वासघात होगा और अपने गुरु की मर्यादा से मुझे एक पल भी इधर उधर नहीं होना। और मैं देखता हूं ऐसी पुण्यशील आत्माएं बहुत हैं, बस उनको खोजने की जरूरत है। जैसे हमारे भीतर परमात्मा ने अनंत ज्ञान संवेदना सामर्थ्य ऐश्वर्य विद्या विभूति अनंत प्रतिभा जैसे परमात्मा ने हमें प्रदान की है, लेकिन हम सब उसको जगा नहीं पाते, ऐसे ही समाज में भी ऐसे बहुत भाई बहन हैं, उनको हमें खोजना है, उनको अपने साथ जोड़ना है, इसको कहते हैं संगठन का निर्माण। निरंतर उनके साथ संपर्क संवाद और गौरव प्रदान करके उनको उनके मन मस्तिष्क प्राणों में इस वेद परंपरा की, इस ऋषि परंपरा की, इस योग परंपरा की, इस योग यज्ञ के, इस योग क्रांति, गो क्रांति और शिक्षा की क्रांति, ये जो तीन क्रांतियों के लिए हम प्रतिबद्ध होकर के आगे बढ़ रहे हैं, संगठित रूप से संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना न उपासते। ये संगठन सूक्त आपको हमेशा स्मरण रहना चाहिए कि मैं अकेला नहीं हूं, ये सारी समष्टि, सारी कायनात, ये पूरा अस्तित्व स्वयं परमात्मा और परमात्मा के सारे देव दूत, सारी दैवी शक्तियां वो मेरे साथ हैं। ये वैज्ञानिक सत्य है, ये व्यवहारिक सत्य है, आध्यात्मिक सत्य है, ये पारमार्थिक सत्य है और ये मेरा अनुभूतिक सत्य है। मैं घर से चला था तो अकेला था, आज मैंने करोड़ों हाथों को अपने साथ पाया और करोड़ों लोगों को अपने साथ कदम से कदम चलते हुए मैंने देखा। ये कोई काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं, किसी कंदरा गुफा में बैठ करके या किसी बौद्धिक चेतना के एक विशेष स्थिति में पहुंच करके मैं मानवीय मस्तिष्क के मूल्यांकन के आधार पर खाली कोई दार्शनिक प्रबोधन आपको नहीं दे रहा हूं। मैंने जिस सत्य को जिया है उसी को मैं शाब्दिक अभिव्यक्ति दे रहा हूं, शब्दों से उस अनुभव को स्वर दे रहा हूं। आप लोगों को अब एक और यात्रा में आगे बढ़ना है। जब आंदोलन का दौर चल रहा था तब कई बार मुझसे कुछ भाई बहन कहते थे, स्वामी जी आपने ऐसे गहरे समुद्र में हमें फेंक दिया, चारों ओर इसमें मगरमच्छ हैं, चारों ओर इसमें कितने प्रकार के जीव जंतु हैं और पता नहीं इसका आर पार कहाँ है, कहीं दिख नहीं रहा है किनारा, और आप भजन गाते रहते हो जहाँ ले चलोगे भगवान हम वहीं चलेंगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं हम रहेंगे, लेकिन इसका किनारा कहाँ लगेगा। उस आंदोलन को भी हमने किनारे लगाया, अब इस भारत को सच्चे अर्थों में ऋषि भूमि, वेद भूमि, देव भूमि, इसको आध्यात्मिक भूमि बनाने के लिए एक पुरुषार्थ और प्रचंड करने की आवश्यकता, और उसके लिए आपको प्रतिबद्ध होकर के आगे बढ़ना है। निरंतर एक प्रचंड पुरुषार्थ करते हुए इसे जीवन का प्रयोजन पूरा करना है। जीवन के सामान्य प्रयोजन हैं जिनको हम साधने में लगे रहते हैं कि मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, मेरे माता पिता का क्या होगा। नहरम चिंतयेत प्राज्यो धर्मम एकम ही चिंतयेत आहरो ही मनुष्याणाम जन्म न सह जायते। आचार्य चाणक्य कहते हैं जो प्रज्ञावान विवेकी, जो विशेष आत्माएं हैं, दिव्यात्माएं हैं, उनको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे घर परिवार, मेरे संसार के उत्तरदायित्व का क्या होगा। जब आप भगवान के प्रति अपना उत्तरदायित्व ठीक से निर्वहन करते हैं तो भगवान व्यवस्था कर देते हैं, और चींटी को जिसको कण भर चाहिए, हाथी जिसको मन भर चाहिए, जब उसका भी पेट भर जाता है तो भूखा नहीं सोएगा। लेकिन ये हमारे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए कि मुझे इस योग धर्म के लिए, इस सेवा धर्म, इस राष्ट्र धर्म, इस वेद धर्म, ऋषि धर्म के लिए जीना है। ये योग धर्म ही हमारे वेद धर्म का, ऋषि धर्म का, सेवा धर्म का और इस राष्ट्र धर्म का मूल है। इस योग
कि कितनी बड़ी महिमा है। मैं यहां पर व्याकरण शास्त्र से लेकर के दर्शन शास्त्र, यहां मैं वेद शास्त्र, सब अपनी ज्ञान परंपरा को बड़ी महिमा देता हूं। इनमें से भी मैं सबसे ऊपर योग को क्यों रखता हूं, क्योंकि योग ये सबके जीवन का मूल तत्व है, ये सबकी आत्माओं की मूल मांग है। योग इज द बेसिक एंड अल्टीमेट डिजायर ऑफ ऑल सोल्स, सभी आत्माओं की मूल मांग योग है, अध्यात्म है, भीतर की ज्ञान की, प्रेम करुणा वात्सल्य कृतज्ञता की, प्रसन्नता की, आनंद की पूर्णता, ज्ञान विज्ञान की परिपूर्णता, संवेदनाओं की परिपूर्णता, सामर्थ्य की, पुरुषार्थ की, परमार्थ की, ऐश्वर्य की, अभ्युदय निश्रेयस की परिपूर्णता, ये योग में है। योग ही अपरा विद्या, परा विद्या, ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या का तत्व ज्ञान का मूल आधार है। योग ही हमारी संस्कृति, सभ्यता, हमारी मूल परंपरा, हमारे सारे अतीत का गौरव, अतीत के सारे हमारे पूर्वजों की विरासत, उनका तप, वो योग में समाहित है। इसलिए हमको स्वयं योगी बनना है, इस योग को इतना विस्तार देना है, इस योग को हमने मजबूती प्रदान कर दी सब दिशाओं में, ये पूरी दुनिया की आवश्यकता है। लेकिन इसमें कोई प्रमाद नहीं बरतना, जिनको उत्तरदायित्व है वो प्रमाद बरतते हैं, तो जिनके पास उत्तरदायित्व है एक प्रांत का, ये तो बहुत बड़ा, ये प्रांत का उत्तरदायित्व, मैंने आंदोलनों के वक्त में भी कहा था, ये प्रांत का उत्तरदायित्व किसी गवर्नर से ज़्यादा है, किसी CM से ज़्यादा है, और राष्ट्रीय स्तर पर किसी PM से ज़्यादा है। PM की एक सीमाएं हैं, और उन सीमाओं में बंधे रह करके उसके हाथ बंधे हुए हैं, उसके हाथ बंधे हुए हैं संविधान के कुछ विशेष प्रावधानों से, जिससे कि वो एक परंपरा विशेष को अधिक गौरव प्रदान नहीं कर सकता। उसके कानून बंधे हुए इंटरनेशनल ट्रीटीज़ बोलते हैं संधियों को, है? उनके हाथ बंधे हुए संधियों से, और कोई भी राजा उसको अलग प्रकार का एक बर्तन करना होता है। एक राजा का जो बर्ताव होता है वो अलग ढंग का होता है। उसको अपने राज्य में शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है। नरेंद्र मोदी जी ने PM हाउस में मांस तो बंद करा दिया, शराब तो बंद करा दी। हम सपना रखते हैं कि मेरा देश शराब मुक्त हो, सब प्रकार के नशों से मुक्त हो, गोहत्या से, मांसाहार से मुक्त हो, तमाम मांसाहार मीन्स मांसाहार की बात नहीं है, मेरा देश मांसाहार में क्रूरता है, मांसाहार में हिंसा है, मैं अपने भारत को वायलेंस फ्री देखना चाहता हूं। ये कोई आहार की बात नहीं, एक विचार की, सिद्धांत की, एक मानवीय संवेदनाओं की बात है, बात आहार की नहीं है मात्र। तो कम से कम ऐसा तो देश को प्रधानमंत्री मिला कि प्रधानमंत्री आवास में आते ही कहा कि कोई भी दुनिया का कितना ही बड़ा सत्ताधीश भारत में आएगा, पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, वहां के प्रेसिडेंट आते हैं, वहां के PM आते हैं, लेकिन यदि PMO में मोदी साहब के साथ उनको खाना खाना है तो शाकाहार ही करना पड़ेगा। दारू नहीं मिलेगी, वाइन नहीं मिलेगी, बियर नहीं मिलेगी, कोका कोला पेप्सी नहीं मिलेगा, वहाँ त्या तो गुजरातनी छाछ मळ से, खाखरा मळ से, ढेपला थेपला मळ से, हाँ वो तो मिलेगा। भारत के भी सारे अलग प्रकार के व्यंजन मिलेंगे, शाकाहार में कोई व्यंजन कम है क्या, ये तो दुनिया के लोगों में गलत फहमी है। लेकिन वो देश में इस चीज को नहीं बढ़ा सकता, उनको मत्स्य पालन भी करना है, उनको शुअर पालन भी करना है, उनको जितने भी अलग अलग प्रकार की जो एक्टिविटी चल रही है वो उसको, हाँ, इस देश में क्योंकि आज़ादी के नाम पर, हाँ, कि आहार की आज़ादी, विचार की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, हाँ, इसके नाम पर अलग अलग प्रकार की चीज़ें चलती हैं, लेकिन हमारे ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, हम जिस आध्यात्म परंपरा का, आपको ऐसे गुरु अनुभव करना है। अरे तुम मुझे देखो ना, मैं एक अनपढ़ माँ बाप के घर से पैदा होकर के
सामान्य गवर्नमेंट स्कूल में और साधारण गुरुकुल में पेड़ के नीचे बैठ करके, खुली छत आसमान के नीचे बैठ करके पढ़ा हूं। हिमालय की चोटियों में, कंदराओं में, गुफाओं में बैठ करके, जहां आज भी किसी प्रकार की विद्युत की व्यवस्था नहीं है, वो कंदराएं आज भी साक्षी हैं, गुफाएं जहां स्वामी रामदेव ने रात के घनघोर अंधेरे में बिहड़ जंगलों के बीच में तपस्या की है, बिना किसी चाह के। जब तुम्हारा गुरु, जिसको कुछ नहीं चाहिए और जिसके पास कोई साधन नहीं था, और जब इतना बड़ा है पतंजलि योगपीठ और पतंजलि संगठन का विस्तार किया और करोड़ों लोगों के को अपने संकल्प के साथ जोड़ा, उनको एक मना बना करके, समानो मंत्र समिति समान समान मन सचित मे सम समान मंत्र मंत्र वह समान नो हविषाचो हमी समान वाकुति समान हृदया वह समान मस्तु वो मन यथावस्तु सहा सती संग छध्वम संवदध्वम, जो ऋग्वेद का अंतिम संदेश किया, वो सब साथ में मिलकर के चलो। मैंने नहीं कहा कि मैं अकेला योगी बनूंगा, मैंने नहीं कहा कि मैं अकेला मुक्त होऊंगा, मैंने नहीं कहा कि मुझे अकेले को समृद्ध होना, मैंने कहा कि मैं सबके जीवन में समृद्धि देखना चाहता हूं और सबके जीवन में सहज समाधि को घटित होते हुए देखना चाहता हूं। सबकी समृद्धि, सबकी समाधि, सबका समाधान, सबकी प्रसन्नता, ये मेरे जीवन की प्रसन्नता है।